बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज बच्चों की रिक्वेस्ट पे एक्सरसाइज 4.1 यानी कि चैप्टर 4 की फर्स्ट एक्सरसाइज और चैप्टर नेम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक जो है एक्चुअली होता क्या है, स्टैटिस्टिक डेटा होता है, ठीक है, जो कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू पूरी अपनी कंट्री का, कि वहाँ पर कितने लोग रहते हैं, कितने जेंट्स लेडीज़ हैं, कितने जेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं और फैमिलीज़ कितनी हैं, और ये सब कुछ कहलाता है स्टैटिस्टिक, ठीक है, उनकी कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा। और डाटा क्या होता है, डाटा आपको पता है, कोई भी नंबर्स की फॉर्म में हो या टेक्स्ट की फॉर्म में हो, लेटर्स की फॉर्म में हो, सब डाटा कहलाता है। तो ये सिंपल छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी स्टैटिस्टिक की। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टर्म्स आपको सुनने में आएंगी, तो वो साथ साथ मैं चैप्टर के ही सोल्यूशन में आपको बताती जाऊंगी, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करवा रही हूँ। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन से चेक करते हैं कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है रीड करने बुक्स के अंदर से, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग द गिवन टेबल, ठीक है। आप स्टैटिस्टिक के अंदर यूँ टेबल्स बनाकर डाटा लिखा जाता है मोस्टली, क्योंकि टेबल्स के अंदर वो सारा, अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये सारा डेटा है, ठीक है। अब ये डेटा है, सबसे पहले हमने मार्क्स ऑब्टेन, यानी कि जो भी चीज़ ज़रूरी नहीं है मार्क्स ही हो, कुछ भी हो सकता है, सैलरी वेजेस या कुछ भी यहाँ पे आ सकता है, एक साइड पर वो आता है, दूसरी तरफ उसका आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ थिंग्स या नंबर ऑफ मैंस, सॉरी। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए ये मैंने टेबल आपको बना दिया, ये मैंने फर्स्ट टेबल बनाया है ताकि आप लोगों को जो है वर्ड्स और जितनी भी टर्म्स है वो मैं क्लैरिफाई करा दूँ कि इसमें क्या क्या किसको किस टर्म से पारा जाता है। अब यहाँ पर देखें 1 to 15 ये गिवन था, ठीक है। समटाइम हमें ये चीज़ें खुद से बनानी पड़ती हैं, हमें सिंपल नंबर दे दिए जाते हैं और हमें ये चीज़ें खुद से बनानी पड़ती हैं। फिलहाल ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर उन्होंने हमें बना के दिया है, बाकी क्वेश्चन में मैं आपको सिखा दूँगी किस तरह से बनाया जाता है। अच्छा, इससे पहले ये रिमाइंड करा दूँगी, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे साथ साथ आप लोग भी अपना जर्नल ग्रुप का सिलेबस मैथ का कम्प्लीट कर सकें। अच्छा, 1 to 15, 16 to 30, 31 to 45 ये बुक में आपकी बना हुआ है, ठीक है, और इस साइड पर दिया हुआ है 5 और 16 to 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो 23 हैं, 31 to 45 जितने मार्क्स लिए हैं बच्चों ने वो 18 हैं, 46 to 60 मार्क्स जिन्होंने लिए हैं वो 11 बच्चे हैं, और 61 to 75 मार्क्स जिन्होंने लिए हैं वो 3 बच्चे हैं टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या फाइंड करना है, पूरा क्वेश्चन है आपका नंबर 1 के, हाउ मैनी क्लास इंटरवल्स आर देयर। क्लास इंटरवल्स बेसिकली होते क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल मैंने छोटी छोटी टर्म्स लिखी हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूमिंग है, तो क्लास इंटरवल टर्म्स लिखी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लास इंटरवल्स बेसिकली होता क्या है, कि जितनी भी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आप कहेंगे क्या है फ्रीक्वेंसी, ये वाली हमारी साइड होती है, यानी कि जो मार्क्स हैं वो कितने बच्चों ने लिए हैं, जैसे 1 to 15 मार्क्स जो है वो कितने बच्चों ने लिए हैं, 5, तो ये हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी, 5 हमारी होगी फ्रीक्वेंसी। 16 to 30 मार्क्स वाले बच्चे 23 हो गई, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, अलग अलग, लेकिन टोटल नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो नंबर क्लास इंटरवल कहलाता है। आप यहाँ काउंट करें टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 कितने नंबर हो गए, 5, तो इसका मतलब है क्लास इंटरवल जो है हमारे पास वो है 5। आई होप कि क्लास इंटरवल का आपको समझ में आ गया होगा, टोटल नंबर ऑफ ये साइड्स होती है ना फ्रीक्वेंसी, समझ लो आप फ्रीक्वेंसी अगर लिखी हुई है तो आप उस वाली चीज़ को काउंट करेंगे, या इस साइड पर जो भी नंबर जितने लिखे हुए उसको काउंट करके वो आपकी फ्रीक्वेंसी इंटरवल आ जाएंगे। अब आ जाते हैं अगला लोअर लिमिट। लोअर लिमिट की टर्म फोकस कीजिएगा, लोअर लिमिट क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ लोअर लिमिट इन 16 to 30 वाली जगह पर लोअर लिमिट क्या है, तो लोअर लिमिट इसकी वो होगी, लोअर का मतलब आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा कि छोटी वाली, ठीक है, कम वाली। तो इसमें जो है 16 to 30 में जो कम है वो 16 है, और जो एक होती है लोअर लिमिट, एक अपर लिमिट भी कहलाती है। अब जो बड़ी वाली होगी दूसरी साइड में वो अपर होगी, ठीक है, अपर लिमिट, और जो छोटी वाली होगी वो लोअर लिमिट होगी। तो इसमें लोअर लिमिट पूछी गई है, तो लोअर लिमिट यहाँ पर क्या है, 16, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ 46 to 60
क्लास में फ्रीक्वेंसी आपको समझा चुकी हूँ क्या होती है, जल्दी से आ जाए। 46 to 60, 46 to 60 में क्लास फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है जी, 11 आ रही है, तो सीधा सीधा हम लिख लेते हैं 11, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर होते हैं ना वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, यानी कि 46 से 60 बच्चों ने कितने मार्क्स लिए हैं, कितने बच्चों ने 46 to 60 मार्क्स लिए हैं। तो 11 बच्चे जो थे क्लास के अंदर उन्होंने 46 to 60 मार्क्स लिए हैं, और यही इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। यहाँ पे मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ कि ये फ्रीक्वेंसी टेबल ही होगा। अच्छा, इसके आगे अगर मैं आपको यहाँ बुक से ही बताती जाऊँ, थोड़ा एक्सप्लेन साथ साथ में करती जाऊँगी। देखिए अगला है व्हाट इज़, क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग है और लिखने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और स्पेस कंज्यूमिंग है। व्हाट इज़ इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मार्क्स फ्रॉम 31 to 60। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जो वो 31 से लेकर 60 तक मार्क्स ले रहे हैं। तो अब इसको करने के लिए मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ कि 31 या मैं रेस कर रही हूँ, टेबल हमारा बना रहेगा, इसके हिसाब से आपको समझाती जाऊँगी। 31 से लेकर हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, 31 से 60 तक उन्होंने पूछे है ना, यानी कि ये वाली लाइन भी आनी चाहिए, ये वाली लाइन भी आनी चाहिए। यहाँ से लेकर 31 से 60 तक मार्क्स लेने वाले टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 31 टू 45 वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 18, ठीक है। फिर आ जाए 46 टू 60 तक मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 11। अच्छा, इन दोनों को आप करा लें ऐड, 18 प्लस 11 आपका ही हो जाएगा जी टोटल 29। तो ये आपका किसका आंसर आ गया, नंबर 4 का, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि दो चीज़ों का उन्होंने पूछा था ना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के मार्क्स का पूछा था। तो फिर हम कैसे अब ये वाले मार्क्स, इसके सामने वाले मार्क्स उठाएंगे, स्टूडेंट उठाएंगे, नंबर उठाएंगे, इसके सामने वाले नंबर उठाएंगे, उन दोनों को करा देंगे ऐड, टोटल हमें पता चल जाएगा जी 29 बच्चों ने 31 से लेकर 60 तक नंबर हासिल किए हैं, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर 5 है। देखिए नंबर 5 में क्या है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, अब ये टर्म आप देख लें, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल 16 to 30, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, अब यहाँ पर क्या आंसर लिखा हुआ है, 15, ठीक। अब मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास, मैग्नीट्यूड मैं यहाँ सिंपल छोटा सा लिख देती हूँ, क्लास इंटरवल, ठीक है। अब क्लास इंटरवल कौन सा उसने पूछा है, 16 से 30 तक लेकर उसका मैग्नीट्यूड क्या बनता है, मैग्नीट्यूड क्या होगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है, यानी कि 16 से 30 तक लेकर बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। अब 16 से 30 तक आप लोग काउंट कर लें, 15 मार्क्स आते हैं बीच में, ठीक है। 16 से 30 का डिफरेंस जो होगा वो कहलाएगा मैग्नीट्यूड, माइनस करके दे देती हूँ, सब्ट्रैक्ट कर लें, 10 में से 6 गए, अच्छा ठीक है, ये इस तरह से नहीं होगा बल्कि आप इसको काउंट ही करेंगे, इन फिंगर्स पे काउंट कर लेंगे, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इस तरह से काउंट कर लेंगे। तो जो 16 से स्टार्ट करना है, ठीक है, 16, 17, 18, 19, 20 और 30 तक जाना है, तो आपके जो है वो 15 इसमें डिफरेंस आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अपर लिमिट, ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही क्वेश्चन में कि अपर लिमिट क्या होती है क्लास इंटरवल हैविंग 18। अब ये क्या कह रहे हैं, आपने ढूंढना है इसको टेबल के अंदर कि क्लास अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल हैविंग 18। अब तो क्लास इंटरवल जिसका 18 है ना एज क्लास फ्रीक्वेंसी, वो हमने उसकी अपर लिमिट फाइंड करनी। सबसे पहले तो हम 18 नंबर फाइंड करेंगे, ये रहा 18 नंबर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 18 फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। अब इसके सामने वाली जो लाइन है इसकी हमने अपर लिमिट फाइंड करनी है, तो देखिए इसके सामने वाली लाइन ये है और इसकी अपर लिमिट ये है, ठीक है, समझ आ गई अपर लिमिट। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं नंबर 7 की तरफ, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग मार्क्स फ्रॉम 15 to 16। अब ये कह रहे हैं कि नंबर वो स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने 15 से लेकर 16 तक के नंबर हासिल किए हैं। अब यहाँ पर देखें, हमने सारे टेबल के अंदर देखा था 1 to 15, 16 to 30, 31 to 45, 46 to, लेकिन यहाँ पर 15 to 16 अलग से कोई वैल्यू दी हुई ही नहीं है। यहाँ 15 पे ये वाली फिनिश हो रही है जिसने 5 मार्क्स लिए हैं, फिर आगे 16 to 30 जा रही है क्योंकि हमने फाइंड करने हैं 15 से 16 तक। तो ऐसी तो हमारे पास कोई यहाँ पर वो है ही नहीं, क्लास इंटरवल कोई ऐसा है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे,
हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि जो हमने तो टेबल के हिसाब से सॉल्व करना है ना, तो 15 तो 16 हमारे पास कुछ भी यहाँ बना हुआ नहीं है इस तरह से, और ना ही कोई वैल्यू दी हुई है, ठीक है। या 15 की नहीं है सिर्फ, ये 1 से लेकर 15 की है, और ये खाली 16 की नहीं है, ये 16 से लेकर 30 की है, ठीक है, ये 23। तो इसलिए हमें नहीं पता 15 और 16 के बीच में बच्चे ने कितने मार्क्स लिए हैं, तो हम इसको लिख देंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ अननोन। हम क्या लिख देंगे, ये आपका नंबर 7 है, तो हम लिख देंगे द नंबर 7 है और हम लिख देंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज अननोन, ठीक है, यानी कि हमें नहीं पता या हमें गिवन नहीं है यहाँ पर, ठीक। अब आ जाए इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ। अब 8 में क्या पूछा गया है, 8 में देखें, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। अब यहाँ पर आगे क्लास इंटरवल भी नहीं दिया गया, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल 77 15। अच्छा ये सॉरी वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, जो यहाँ पर था क्लास इंटरवल, और यहाँ पे कुछ पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल 16 to 30। अच्छा ये सारे टोटल क्लास इंटरवल का पूछा गया है यहाँ पे, यानी कि हर क्लास इंटरवल का कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है, वहाँ पर सिर्फ 16 to 30 का पूछा गया था, यहाँ हर क्लास इंटरवल का यानी कि टोटल जितने भी क्लास इंटरवल्स है ना उनका पूछा गया, उनका मैग्नीट्यूड क्या है। तो देखिए सबका वही है 1 to 15, कितना गैप बन रहा है 15 नंबर्स का, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक काउंट किया करें, यहाँ से यहाँ तक भी 15 का, यहाँ से यहाँ तक 15 का, तो सबका कितना बन रहा है 15 का, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 15, ठीक है, सिर्फ 15 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 9, इन विच क्लास इंटरवल इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट भी आप लोग ये टर्म याद ही रखें, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक में ये बार बार यूज होगी, सही है। तो ये क्वेश्चन है आपका आई थिंक 9, तो लीस्ट नंबर यानी कि कम सबसे नंबर, लीस्ट मतलब होता है सबसे कम नंबर, कौन से इंटरवल में उन्होंने कहा है इन द लीस्ट नंबर ऑफ 60 लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये पूछा है कि टोटल सबसे ज्यादा लीस्ट नंबर कौन से इंटरवल के, हमने वो इंटरवल बताना है। यहाँ से सबसे पहले तो कम नंबर फाइंड कर ले, सबसे नंबर कम नंबर किधर है, ये रहे जी 3, ये लीस्ट नंबर है, ये लीस्ट नंबर है, ठीक है, लीस्ट नंबर है, ठीक है। अब आपने फाइंड करना है इसका इंटरवल, आप यहाँ पर सामने देखें इंटरवल क्या है इसका, जी इसका इंटरवल है 62, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 75। तो ये इसका इंटरवल हमने बताना था, ये लीस्ट नंबर पहले हमने निकाल लिया, फिर उसका इंटरवल देखकर आंसर में लिख दिया, ठीक। अब चलते हैं इसके नंबर 10 क्वेश्चन की तरफ, हाउ मैनी स्टूडेंट्स सिक्योर मार्क्स फ्रॉम 1 to 75। 1 to 75 कितने स्टूडेंट्स ने कितने नंबर्स लिए हैं, ठीक है, 1 to 75 स्टूडेंट्स कितने नंबर वाले हैं, ठीक है, ये देखें हाउ मैनी स्टूडेंट्स सिक्योर मार्क्स फ्रॉम 1 to 75, यानी कि 1 से लेकर 75 तक कितने स्टूडेंट्स ने नंबर हासिल किए हैं। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है हमारा टेबल और 75 पे फिनिश हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, हमने क्या करना, जैसे हमने 16 से लेकर 45 तक के मार्क्स को क्या किया था, इन दोनों को ऐड कर दिया था और हमारा आंसर आ गया था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, 1 से लेकर 75 तक के, यानी कि सबके सब मार्क्स हमने मिला देने हैं, ऐड कर देने हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 1 to 75, तो 1 to 75 हमारे सारे नंबर आ जाएंगे जी, 5 plus 23 plus 18 plus 11 और plus 3, ये सब मार्क्स को हम टोटल करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा जी 60, ठीक है। तो 60 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1 से लेकर 75 के बीच के मार्क्स लिए हैं। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस टेबल्स के थ्रू आप लोग किस तरह से ये फ्रीक्वेंसी, लीस्ट नंबर, इंटरवल सब कुछ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था और काफ़ी टर्म्स इसके अंदर आ गई हैं, इसके अलावा साथ साथ जो भी टर्म्स आती रहेंगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी। ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक लिखने में लेंदी होता है, लेकिन करने में, सॉल्व करने में बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो लिखने में ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ज़्यादा स्पेस कंज्यूमिंग होता है, तो मेरे साथ चलते रहिएगा तेज़ तेज़, तो मैं भी इंशाल्लाह, यहाँ पर नंबर्स बहुत सारे होते हैं और कहीं भी नंबर में कोई मिस्टेक हो गई तो आप लोग देख लीजिएगा अपनी कॉपी बुक्स के अंदर से और उसके हिसाब से आप लोग फिर कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अब हमने क्या करना है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
टेबल, अब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कैसे बनाया जाता है। जो पीछे आपने टेबल देखा है क्वेश्चन नंबर वन में, उसको कैसे बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये सारे नंबर्स हैं, इन नंबर्स को बहुत ध्यान से अपनी कॉपी पे उतारिएगा, मार्कशीट पे उतारिएगा, क्योंकि ये नंबर हम कई बार कोई नंबर स्किप कर देते हैं, ये कोई एक्स्ट्रा लिख देते हैं तो फिर हमारा आंसर उस हिसाब से रॉन्ग आ रहा होता है। ठीक, तो सबसे पहले तो आपने फोकस करना होता है इन नंबर्स पे कि कोई नंबर ना रिपीट हो, मतलब रिपीट इस हिसाब से जो गिवन है ना, जितनी बार गिवन है उतनी बार ही आपने भी मेंशन करना है। फिक्स द मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, अब मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल हमने खुद फिक्स करना है, उनका फिक्स करें, ठीक है, हमने करना है। एंड टेल द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, और फिर नंबर ऑफ इंटरवल हमने बताने हैं, पहले मैग्नीट्यूड को फिक्स करना है फिर नंबर ऑफ इंटरवल हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या उतारना पड़ेगा, मैं नंबर नहीं उतार रही हूँ, या मैं पहले क्वेश्चन के नंबर उतार दूंगी फिर मैं बाकी क्वेश्चन के नंबर नहीं उतारूंगी क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलती हूँ। अब यहाँ पर नंबर मैं एक दफा तो उतार देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपके नंबर है 8, 15, 8, 15, 25, 16, 12, 9, 1, 23, 14, 21, 4, 22, 11, 3, 2, 5, अच्छा यहाँ नीचे लिख देती हूँ 7, 17, 25, 13। देखिए इतने सारे नंबर्स होते हैं इसमें, डाटा जो होता है क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लोगों का डाटा कलेक्ट करना होता है। अब आगे, अब हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हमने टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सबसे पहले टेबल बनाने के लिए हमने करना होता है स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से निकालना होता है। ठीक है, तो आप निकाल लें कि मैं सॉल्यूशन लिख रही हूँ, सही है, तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालें, मैं शॉर्ट लिख रही हूँ। ठीक, फिर आपने क्या करना होता है लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि ये हमने वो जो फ्रीक्वेंसी माने मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल बनाना है ना, तो उसके लिए हमें पहला और आखिरी नंबर पता होना चाहिए, लार्जेस्ट नंबर। ठीक, फिर हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड, हमें फिक्स करना है जो मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। चले जी, अब हमने सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढे, इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, जी सबसे नजर आ रहा है 1, इससे छोटा नंबर कोई नहीं, इससे छोटा भी हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पर 1 सबसे स्मॉलेस्ट लीस्ट नंबर आ गया, फिर लार्जेस्ट नंबर फाइंड करें, लार्जेस्ट नंबर इसमें आपको आई थिंक ये 25 है जो रिपीट हो रहा है, तो हम एक ही सिर्फ 25 उठा लेंगे, ये हमारा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। अब हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल हमने खुद फिक्स करना है, तो आप छोटे से छोटा भी कर सकते हैं, यानी कि 1 से 5 तक, 1 से 10 तक, तो हम 1 से 5 तक करेंगे ताकि हमारे लिए ज़्यादा लंबा जितना क्लास इंटरवल बड़ा होगा उतने मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, तो हम खुद से इसको फिक्स कर लेते हैं 5। ठीक है, हम यानी कि 5 का गैप के साथ इसको सॉल्व करेंगे, इंटरवल के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक, अब हम बनाएंगे जी टेबल। तो टेबल बनाने के लिए मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो मैं आपको ये रेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम टेबल बनाते हैं, उसमें सबसे पहले 3 कॉलम होने चाहिए। ठीक, अब सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास इंटरवल्स, इंटरवल्स गौर से देख लें ताकि हर क्वेश्चन में, फिर मैं स्पीड से चलूंगी, और टैली मार्क्स, ये टेबल बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का मेथड है पूरा, और फिर उसके बाद आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये हमारा बन गया जी टेबल, और यही आपका सॉल्यूशन भी होगा। ठीक, ये पूरा टेबल प्रॉपर अच्छे वे में बनाया करें, हेडिंग्स को प्रॉपर इस तरह से, यहाँ पर तो हमारे पास स्केल वगैरह हम यूज़ नहीं कर रहे होते, तो अच्छे तरीके से आप लोग टेबल बनाया करें। अच्छा, हमने क्लास इंटरवल क्या लिया था 5, तो इसका मतलब है हमने 5 के गैप के साथ नंबर्स यहाँ पर मेंशन करने हैं, क्लास इंटरवल मेंशन करने हैं। तो 1 हमारी सबसे लीस्ट थी, तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से लेकर सबसे पहले हमने लाया 5 तक। ठीक है, फिर हम पहले लाएंगे, फिर 5 के बाद क्या होगा, अगला नंबर शुरू करते हैं, 5 नहीं लेते। ठीक है, 6 से लेकर दूसरा आ जाएगा 10 तक, फिर 10 के बाद 11 से आ जाएगा जी 15 तक। ठीक, फिर 15 को छोड़ के 16 से आ जाएगा 20 तक, यानी कि नंबर आपने आखिर में जो 25 था ना, लार्जेस्ट नंबर तक लेकर जाना होता है। ठीक है, अब 21 से आ जाएगा 25 तक, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, क्लास इंटरवल कंप्लीट हो गए। अब क्लास इंटरवल के हिसाब से हमने टैली मार्क्स लेने हैं,
टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी तकरीबन सेम ही होता है, ठीक है, सेम ही होते हैं। इसको लिखने का मेथड और होता है, इसको लिखने का मेथड और होता है। अब आप देखेंगे टैली मार्क्स, टैली एक साइन होता है, देखें यू आई का साइन, ये आप अपनी बुक्स में भी पीछे देखेंगे, आई या एल आप इसको समझ ले, कैपिटल आई होता है, तो इसको आप लिखते हैं तो ये टैली मार्क्स कहलाता है, ठीक। तो अब इसको किस तरह से लिखते हैं, अब यहाँ पर देखिए 1 से 5 तक हमने पहले यहाँ से ढूंढ लेने हैं कितने नंबर हैं, 1 से 5 के बीच बीच में कितने नंबर हैं, तो 1 को भी हम इंक्लूड करेंगे, 1, और फिर उसके बाद टिक लगाते जाएं, 1, अच्छा और कहाँ है ये 1 के भी, 1 और 5 के बीच में साथ साथ 2, 3 और टोटल क्या है ये 4 और ये 5, ठीक है। टोटल कितने नंबर हो गए, 5, 1, 2, 2, 3, 4, 5 की टिक वाले। इसके अलावा गौर से देख लें, कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचना चाहिए जो इन दोनों के साथ का हो, इन दोनों के बीच का हो। तो टोटल इनका नंबर कितने हो गए, 5। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी में हमने लिख देना है टोटल नंबर, ठीक है, जितने नंबर हमने इसमें ढूंढ लिए हैं इन दोनों के बीच में। अब इसको टैली मार्क्स में हम किस तरह लिखेंगे जी, 4 तो हम बनाएंगे पहले, आए 4 ही बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनते, ठीक है। और अगर आपके पास 5वां आ जाए तो 5वीं आपने इसके ऊपर लगा देनी होती है क्रॉस की लाइन, ठीक, तो ये आपका कंसिडर होगा 5, सही है। 1 इसको इस तरह से लिखेंगे, 1 हो तो आपने ऐसे लिखना है, 2 हो तो आपने ऐसे लिखना है, ये आपके पास 3 हो ये आपकी रोमन काउंटिंग भी कह सकते हैं, और 4 हो तो आप ऐसे ही लिखेंगे, और 5 हो तो फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर 6 हो तो आप इसको U5 और 1 6 अलग से आ जाएगा, ठीक। अब आप फाइंड करें 6 से 10 के बीच में, 6 से 10 के बीच में 6 से स्टार्ट करें, 6 6 नंबर है कोई हमारा, 6 नंबर नहीं है तो 7 देखें, 7 आ गया, 1, अच्छा उसके बाद 7 8, 2 2 2 2 2 और क्या है, आई थिंक यही है, नहीं ये भी है 3 3, और आई थिंक बस यही है, 3 नंबर है। 6 और 10 के बीच में कितने नंबर है जी, 3 नंबर है, तो 3 किस तरह लिखेंगे, 1 2 और 3, ये हो गया 3। अब हमने अगला फाइंड करना है 11 to 15, 11 से 15 की तरफ चले, 11 1 और ये भी 2, 15 के 11 के बीच में है, और ये 3, ये 4, ये 5, और आई थिंक ये भी 5 ही है, बस इससे ज़्यादा नहीं है, तो ये 5, तो 5 को हम कैसे लिखेंगे, 4 और ये 5। अब 16 और 20 के बीच में, 16 और 20 के बीच में 1 2 2 2 2 2 और 2, मुझे तो 2 ही नज़र आ रहे हैं और 2 ही हैं, ठीक है, 2 ये और ये भी 2। अब 21 और 25 के बीच में, तो ये आ गया 1 2 3, जो बच गए वो सारे हैं 4 5, ये भी 5 ही है, तो ये आ गया हमारा 1 2 3 4 और ये 5, सही है। अब ये आ गया 5, तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में हमने टैली मार्क्स को टोटल करके लिख लेना है और फ्रीक्वेंसी मार्क्स को टोटल करके हम लिख लेंगे। ये बताना समटाइम इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन हम लिख लेते हैं तो अच्छा रहता है। टोटल एंट्रीज हमारे पास, नंबर ऑफ टोटल मार्क्स, तो हम लिख लें नंबर ऑफ टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स हमारे ये कितने थे सारे काउंट करके, हम पहले इनको ही काउंट कर लेंगे तो वो भी यही बनेंगे 20, और ये हमारे पास क्या थी टोटल, इसके नीचे ही लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है, टोटल फ्रीक्वेंसीज, तो ये भी हमारे पास है 20, क्योंकि दोनों इक्वली होती है तो दोनों सेम ही आंसर आएगा। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व, पूरा ये टैली मेथड कहलाता है। देखिए 2 मेथड आपकी बुक में दिए हुए हैं, एक टैली मेथड है और एक दूसरा कोई मेथड है, तो ये मेथड इजी है, और वैसे आता भी है कि आप टैली मेथड के थ्रू सॉल्व करें या किसी दूसरे मेथड के थ्रू, तो इसलिए यही वैसे अभी फिलहाल तो चल रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो मैं आपको वही करवा रही हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके नंबर्स यही हैं। देखिए मैं आप नंबर्स नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगी। तो यहाँ पर देखें, हाउ मैनी द वेट इन किलोग्राम्स ऑफ द प्लेयर्स ऑफ अ स्कूल आर द फॉलोज, यहाँ पर ये सारे नंबर आपके पास गिवन हैं, और यूजिंग टैली मेथड देखे बता दिया गया, टैली मेथड यूज करें, प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द क्लास इंटरवल ऑफ 2। अब यहाँ क्लास इंटरवल इन्होंने खुद से बता दिया है कि 2 क्लास इंटरवल लेना है। ऑल्सो फाइंड द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 52 to 53, यानी कि इसकी अलग से फ्रीक्वेंसी भी बतानी है, 52 से 53 की क्लास फ्रीक्वेंसी भी बतानी है। तो ये सब आप
जल्दी जल्दी से मैं सोल्यूशन टेबल ही बनाऊंगी डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, तो यहाँ पर मैं नंबर्स नहीं लिखूंगी, स्मॉलेस्ट, चले मैं यहाँ से लिख देती हूँ, स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या है 50, और उसके बाद लार्जेस्ट नंबर ये है जी, ये भी 50 है, नहीं 56 है, लार्जेस्ट नंबर हमारा है जी 57, 58 और 58 है आई थिंक, 58 लार्जेस्ट नंबर हमारा 58 है और स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 50 है। और इसके बाद आपने मैग्नीट्यूड निकाल, मैग्नीट्यूड उन्होंने बता दिया, ठीक है। वो है जी 2, ठीक है 2 उन्होंने बता दिया खुद से। अब हम इस हिसाब से टेबल बनाएंगे, क्लास इंटरवल, ठीक है शॉर्ट लिख रही हूँ, फिर हमारा टैली मार्क्स और फिर है हमारा फ्रीक्वेंसी, ये तीनों हेडिंग आ गई। ठीक, अब हमने इसके अंदर डाटा एंटर करना है। सबसे पहले हमारा फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल आएगा 50 से लेकर 52 तक, क्योंकि दो दो का है गैप है कि, फिर आएगा 52 से 54 तक, फिर आएगा 54 से 55 तक, और फिर आएगा 56 से यहाँ पर 55 आएगा, फिर 55 से 56 तक, क्योंकि ये असल में ये दो का डिफरेंस था, तो ये हम इसे इसे यूं ही चलना पड़ेगा 56 तक, और 56 से ये आएगा जी वापस 58 तक, ठीक है। अब हमने टैली मार्क्स फाइंड करने, 50 से 52 तक देखिए आपके टैली मार्क्स बनते हैं, काउंट करेंगे आप नंबर तो ये आपके फंसा जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, ये टोटल आपके बन रहे हैं 7। अब 52 से फिर 54 तक देखें तो ये आपके ये भी बनेंगे 7, 3, 4, 5, 6, 7, और फिर आप देखेंगे 54 से 56 तक तो ये आपके बनेंगे 5, फिर आप देखेंगे 56 से 58 तक 56, यानी कि आपके जो रिपीट हो रहे होते हैं ना नंबर वो भी काउंट करने हैं 1, 2, 1, 2, 3, 4, आई थिंक ये भी 4 ही बने, फिर भी आप और से दोबारा से चेक कर लीजिएगा, तो अगर नहीं बने ये तो आप लोग दोबारा से इसको काउंट कर लेंगे जैसे मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर बताया है, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, आप टैली मार्क्स लिख दें या नंबर ऑफ ये टोटल यहीं से करके लिख देंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई आपकी 7, 7, 5, 5, तो ये टोटल बन रही आपकी 24, यही आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि 52 से लेकर 54 तक या 50 की आपने फ्रीक्वेंसी बतानी है अलग से, तो यहाँ पर आपने अलग से इनको बता देना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि फाइंड द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 52 to 53, तो ये मेरे ख्याल में 52 ये 53 थी, 53 तो ये तो 7 आएगी, या आप बता सकते हैं कि इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी 57 है, ठीक। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाकी क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी बाकी क्वेश्चंस के साथ। इसके हमारे पास अभी 5 क्वेश्चंस और हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, देखते रहिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।